हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में जो मेरे साथ में भैया है उनको ये जो आप डाई देख रहे हैं इस डाई में थोड़ा डिप ज़्यादा हो गया था तो लेकर आए हैं डिप को कम कराने के लिए। एक पीछे आप देख रहे हैं जो मशीन पे वहाँ पे लगा हुआ है, तो भैया के साथ में से चार डाई लेकर आए हैं क्योंकि अभी दो डाई टर्निंग हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं अच्छे से यहाँ पे, और तीसरा इधर जो है पीछे वो मशीन पे लगा हुआ है। तो भैया से हम बात करते हैं, पूछते हैं कि इनका डाई में क्या प्रॉब्लम था जो प्लेट अच्छा नहीं बन रहा था। तो भैया आपका डाई में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा था प्लेट बनने में? मेरा डाई था, चार डाई था मेरा, दो जिगजैग दो प्लेन डाई था, तो जिगजैग में भी बहुत सारा डिप आ रहा था, प्लेट थोड़ा छोटा दिख रहा था। इसके बाद से अरविंद भैया का वीडियो देखा, जो अरविंद भैया को समझा, फ़ोन करा, फ़ोन करे तो आओ कर दिया, कर जाता बोल के बोल दिए, बहुत अच्छा काम किए हैं दो डाई और दो डाई भी बना रहे हैं, पूरा काम तो एकदम पसंद आ गए अपन सही से भी, बहुत अच्छा आपको हेल्प कर रहा। अभी आप कितना किलोमीटर दूर से आए हैं हमारे पास? हमसे 80 किलोमीटर से आए, संगारेड्डी से आए। संगारेड्डी से जो हमारा जो कंपनी है वो हैदराबाद में है, भैया संगारेड्डी से आए हैं जो कि बोल रहे हैं 80 किलोमीटर दूर है, पूरा 80 किलोमीटर दूर से लेकर आए हैं हमारा जो वीडियो देखकर। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा आपको नज़दीक से भी दिखा देते हैं कि ये डाई पूरा 2 mm इसका डिप ज़्यादा था, 3 mm, तो इसको हमने कम कर दिया है। और पीछे जो आप मशीन पर अभी इसको प्लेन डाई है, ये वाला दो जिगजैग का था, एक नीचे भी है, जिगजैग वाला तो हो गया है, अभी प्लेन वाला है, इसको भी थोड़ा 2 mm डिप कम करने के लिए बोल रहे हैं। तो ऐसा दो डाई उनके पास और है, तो प्लेन वाला को करने का है, तो अभी हम इसको टर्निंग कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं कि कैसे भी टर्निंग करके इसको डिप कम किया जाता है, तो वीडियो में आप बने रहिएगा। तो चलिए मैं अभी मशीन को स्टार्ट करके इसे टर्निंग करके आपको दिखाते हैं।
जितना बोले थे उतना डिस्क कम कर दिए, इसमें डिस्क जो ही कंडीशन में कम कर दिया जाता है। अगर प्लेट से आपको साइड से जो कॉलर है वहाँ पे प्लेट जो बनाते टाइम में कॉलर को कटिंग आ जाता है, कभी कभी प्लेट में देखते हैं कभी किसी किसी जाल में क्या होता है डिप ज़्यादा हो जाता है, जिसके वजह से वो पेपर का साइज बराबर नहीं होता है जितना डाल जाता है। तो उसकी तो कंडीशन में अगर आप डिप कम करा देते हैं तो आपका प्लेट का जो साइज में कटिंग आता है तो वो भी ठीक हो जाता है और प्लेट थोड़ा आपको बड़ा जैसा भी दिखता है अगर डिप कम हो जाए तो। इस कंडीशन में इसमें हमने इसको सेट किया। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा और दूसरे लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।